या हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर टू ऑफ एसक्यूएल लर्निंग। तो सबसे पहले हम लोग अपना पोस्टग्रेस ओपन करेंगे, इस पे हम एसक्यूएल सीख रहे हैं। ऑल एप्स पे जाएंगे आप, सेम प्रोसेस जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पोस्टग्रेस पे जाएंगे एंड पीजी एडमिन ओपन करेंगे। ठीक है, वंस ये पीजी एडमिन ओपन होगा, इसमें जो आपने ऑलरेडी पासवर्ड सेट किया होगा उसको आपको पुट करना है। तो अभी मेरा ये पोस्टग्रेस ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आप पासवर्ड सेट करिएगा। इसके बाद आपने ऑलरेडी सर्वर्स के अंदर, हमने एक पोस्टग्रेस 15 के अंदर फिर से पासवर्ड पड़ेगा, डेटाबेस बनाया था। इस डेटाबेस में हमारा था डीवी रेंटल डेटाबेस। ठीक है, उसे क्लिक करेंगे एंड ओपन करेंगे। इसमें आप स्कीमास पे जाएंगे एंड देन टेबल्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको इसमें क्लिक करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये 15 टेबल्स हैं जो कि एक्चुअली प्रैक्टिस टेबल्स हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेलेक्ट सीखा था, बेसिक सिंटैक्स, सेलेक्ट कैसे लिखते हैं। आज हम सीखेंगे कॉलम एलियासेस। ठीक है, सबसे पहले राइट क्लिक करिए टेबल्स या किसी भी टेबल पे एंड क्वेरी टूल ओपन कर लीजिए। अब ये क्वेरी टूल आ गया जहाँ पे हम लोग लर्न करेंगे। तो सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सिंटैक्स के लिए सेलेक्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर कोई भी कॉलम नेम, कॉलम नेम। ठीक है, फिर एज लिखेंगे, एज। ठीक, और एज लिखने के बाद उसको जो भी आपको नेम देना है। ठीक है, एलियस नेम, एलियस नेम। ठीक, इसके बाद फ्रॉम और फिर टेबल नेम। एक सिंटैक्स तो ये हो गया। दूसरा सिंटैक्स है आपका, ये आप सेलेक्ट लिखेंगे। ठीक है, कॉलम नेम लिखेंगे, कॉलम नेम। ठीक है, कॉलम नेम लिखने के बाद फिर आप एलियास नेम लिख देंगे विदाउट स्पेस। ठीक है, एलियस नेम और फ्रॉम जो भी आपका टेबल था, टेबल। तो ये दो तरीके से आप सिंटैक्स लिखते हैं, या तो आपको एज मेंशन करना होता है, अगर नहीं भी करेंगे तो वो डिफॉल्ट ले लेगा। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। ठीक, सो ठीक है, इस अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल क्वेरी लिखते हैं। नॉर्मल क्वेरी क्या लिखेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कस्टमर टेबल से। तो आप देख सकते हैं कस्टमर टेबल पे अगर आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो कॉलम्स आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो हमारे पास है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो चलिए डेटाबेस से इस यही दो कॉलम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। ठीक, फ्रॉम कस्टमर टेबल। ये अब इसको रन करके देखिए, रन करेंगे तो देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया है। अब सबसे पहले लास्ट नेम को हम लोग सरनेम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमको किसी को आउटपुट देना है एंड उसको ये चाहिए कि पहला फर्स्ट नेम हो और दूसरा सरनेम के थ्रू आ रहा हो, और तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट, ठीक है, फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम पुट कर दीजिएगा, ये कॉमा, और लास्ट नेम को लास्ट नेम लेके गए, यहाँ पे लिखा एज, यहाँ पे लिख दिए सरनेम। ठीक है, और फ्रॉम कस्टमर लिखिए। तो देखिए अभी जो लास्ट नेम यहाँ पर लिख के आ रहा था नीचे रिजल्ट में, अब वो आएगा एज अ सरनेम कॉलम का। इसको रन करके देखिए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट नेम और ये हो गया सरनेम, क्योंकि आपने उसको, बट ये टेम्परेरी है, आपके एक्चुअली डेटा में, डेटाबेस में चेंज नहीं होता है। डेटाबेस में आपका लाइक टेबल्स के अंदर वो सेम कॉलम नेम पे रहेगा। ये एज अ टेम्परेरी आप आउटपुट जनरेट करते हैं एलियस कर। ठीक है, ये याद करना आपको बहुत जरूरी है। ठीक, अब इसी को जरा दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सीधे इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किया, इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से एज हटा देंगे। ठीक है, अभी भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। रन करके देखिए,
तो देखिए सेम रिजल्ट आ रहा। तब चलिए कौन, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में इसको कॉन्कैट किया था, दोनों को कॉन्कैट कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे एक ही कॉलम में आ जाए। तो लिखेंगे कैसे, लिखते हैं उसको फर्स्ट नेम, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट के बाद एंटर के ऊपर ये स्पेस होगा, ठीक है। इसके बाद आप कोट्स ले लीजिए, कोट्स में स्पेस डाल दीजिए और फिर इसको बंद कर दीजिए। ये सिंटैक्स है कॉनकैट का, ठीक है। फिर लास्ट नेम, फिर लास्ट नेम, ठीक। लास्ट नेम करने के बाद फ्रॉम यहाँ पे लिखिए कस्टमर। अभी आप देखिएगा ये एक ही कॉलम में, तो देखिए एक कॉलम में आ गया, बट अभी इसमें कोई कॉलम नेम नहीं आया है। अब यहां पर एलियस फंक्शन का जरूरी, लाइक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो जैसे कॉपी करेंगे जब भी हम लोग इस तरीके से कुछ डेटा को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, या ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस टाइम पे बहुत एफिशिएंट हो जाता है। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, फुल नेम, एस करके हमने इसमें फुल नेम लिख दिया, तो अब एक्चुअली कॉलम का नेम आ जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे आप डेटा देंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा ना ये एक्चुअली है क्या। तो आपने कॉन्कैट कर दिया, उसको कर दिया फुल नेम। इसको रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आ गया फुल नेम, ठीक है, आउटपुट में फुल नेम आ रहा है। अब लेकिन अभी आपने जितना भी देखा होगा, हमने एलियस में क्या किया है, कोई स्पेस नहीं दिए। अब जैसे इसमें फुल नेम है तो हमने क्या किया, फुल अंडर स्कोर नेम, तो उसने जनरेट कर लिया। अगर हम स्पेस देंगे तो एरर दे देगा। मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ, जैसे इसे कॉपी करेंगे, पहले ऊपर वाले को डिलीट कर लेते हैं, ऊपर डिलीट कर लेते हैं, सब यहाँ पे रखते हैं इस एक्सरसाइज से। तो अब अगर देखिए, अगर आप चाहते हो कि कॉलम नेम आना चाहिए फुल स्पेस नेम, तो अगर आप इसमें से एज के साथ ये अंडर स्पेस हटा के ऐसे देंगे नेम, देखिए नहीं रन होगा, क्या आएगा आउटपुट, देखिए सिंटैक्स एरर आ रहा है ना। तो अब इस तरीके के इशू को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए उसके लिए बहुत इजी है, आपको कोट्स में देना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर आप डबल कोट्स में दे देंगे तो वो रीड कर लेगा। तो कैसे लिखते हैं इसको, तरीके से सबसे पहले सेलेक्ट, मतलब ये से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, वैसे आप टाइप करिएगा वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फुल नेम में हम क्या करेंगे, कोट्स लगा देंगे, डबल कोट्स, एक इधर और एक लास्ट में, ठीक है। वंस ये डबल कोट्स लग जाएंगे आपके, तो ये अब आपका रन हो जाना चाहिए। देखिए आगे फुल नेम, तो अगर आपको स्पेस के साथ अगर नेम को एलियास करना है तो फिर आपको ऐसे कोट्स लगाना पड़ेगा। तो होप आपने ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एलियास फंक्शन क्यों यूज करते हैं एंड डबल कोट्स हम लोग क्यों स्पेस कर यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप प्रैक्टिस करिए एलियस फंक्शन का एंड दो तीन एग्जाम्पल खुद से करिए, ट्राई करिए, विच विल हेल्प यू इन द लर्निंग।